मैं अंकित कुशवाहा मुलेरा क्षेत्र के हुंका वाली गली में इस समय हूँ और यहाँ पे आप बारिश में हालात देख सकते हैं। यहाँ पे इतने बदतर हालात हो जाते हैं कि यहाँ पर पानी ऊपर ऊपर तक भर आता है और अभी भी हम ये नगर निगम के क्षेत्र में ये इलाका आता है और जैसे लग रहा है ये किसी गांव की हालत भी किसी ऐसे नहीं होगी। यहाँ पे हम आपको मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक कैमरे के माध्यम से क्या हालत है इसकी। देखिए मोहल्ले की इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, आप एक एक घर में पानी देखिए, एक एक घर में देखिए पानी कैसे भरा हुआ है। ये तो हालत है, ये नगर निगम क्षेत्र में आता है तो कहीं से लग नहीं रहा है, ये किसी गांव से ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी। यहाँ पे गांव इस समय इतने ज़्यादा विकास कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की और एक स्मार्ट इंडिया बनाने की। देख लीजिए यहाँ पे कोरोना महामारी में सबसे कहा जा रहा है कि सेफ रहें, घर में रहें, इस तरह कैसे इंसान घर में रहे, पूरी गंदगी तो घर के अंदर आ रही है। ये हमारे पड़ोसी हैं, प्रयागराज स्मार्ट सिटी बनाने का सपना ऐसे ही रहेगा भैया। देखिए यहाँ पे रोड बनी है पर सीवर की व्यवस्था नहीं है, नाली नहीं बनाई गई है, सारा पैसा बजट ख़त्म कर दिया गया ऐसा बोला जाता है। यहाँ पे रोड का ढलान देखिए, रोड की तरफ देना चाहिए तो रोड उल्टी तरफ से बनवाई गई है, पैसा आधी रोड बना दिया है बजट में और खैर बजट खत्म हो अच्छा, गया इस रोड का बजट कब से दिया जा रहा है, कम से कम मेरे ख्याल से 10 सालों से। 2006 से 2005 में हमारा घर बना था, 2006 से आए थे यहाँ पे और मोहल्ले में अपनी प्लानिंग होती रहती है, सभासद आते हैं और वो मांग के चले जाते हैं। इस समय सभासद कौन है? दीपक कुशवाहा जी हैं, कभी झांक चितने नहीं आते यहाँ पे देखने नहीं आए, वार्ड नंबर 13 का संज्ञान लेने नहीं आए आज तक, बीजेपी गवर्नमेंट है। तो देख सकते हैं आप मोहल्ले का क्या हाल है। अभी मैं आपको इस तरफ भी दिखाऊंगा, ये एक और हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं, ये हमारे एक और मोहल्ले के घर है। देखिए यहाँ पे हालत कैसी है। आंटी जी बताइए, यहाँ पे जब से सभासद बने हैं दीपक कुशवाहा कभी संज्ञान लेने आए? कोई काम नहीं किया, एक भी उसने काम नहीं किया, न कभी उसने दर्शन दिया, वो पार्षद हमारे लिए कुछ नहीं। तो मैं बताऊं साहब, यहाँ की मेयर साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगे? मेयर साहिबा से यही अपील करना चाहिए कि इतना दिन से यहाँ रोड पड़ी है, हम लोग इकट्ठा होकर इतनी मिट्टी डलवाए हैं और यहाँ हम लोग मर रहे हैं, चारों तरफ से पानी भर रहा है, घर में भर रहा है, क्या हो रहा है? 2005-06 से मेरे ख्याल से टेंडर लिया जा रहा है, 2005-06 से इस रोड का टेंडर लिया जा रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है। पूजा पाल ने वो रोड बनवाया था, उधर थोड़ा सा बना है, ये मेन रोड तो एकदम सड़ गया है, सीवर सारा जाम पड़ा हुआ है, पानी बाहर निकल नहीं रहा है सीवर से। अब आपको हम सीवर का हालत दिखाते हैं, घर में पानी उल्टा जा रहा है सबके घर के, सबके घर में। ये देखिए, ये एक घर है मोहल्ले का, यहाँ पे पानी उल्टा जा रहा है, पूरा घर भर चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए पूरे घर में पानी उल्टा आया है, सीवर भर चुका है, ये सीवर से पानी निकला है, अभी तो बहुत पानी निकल चुका है क्योंकि बारिश कम हो गई है, इसलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं अभी तक मैं खुद पानी निकाल रहा था। तो माननीय मेयर साहिबा से यही अपील है कि थोड़ा अपने सभासदों का संज्ञान लो, खुद एक बार इस मोहल्ले में आए। मोहल्ला है भूसा वाली गली चक मुंडेरा, आप देख रहे हैं क्या हालत है इस मोहल्ले की, जैसे लग रहा है किसी गांव खेड़ा में आ गए हैं। यहाँ लोग खुद बोल रहे हैं, खुद अपने घरों का सब पानी निकाल रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नदी के पास है, ये मोहल्ला नदी से बहुत दूर है, तब भी ये देखिए कितना पानी भर गया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कोरोना महामारी में आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और दूर रहें, आप कैसे बताइए इस तरह की घर में किसी पानी रहेगा कैसे वो महामारी से दूर रहेगा। ये हमारे मोहल्ले के एक और अंकल जी हैं, बताइए अंकल जी इसके बारे में क्या हालत है मोहल्ले की, कभी भी पार्षद यहाँ संज्ञान लेने आया है? नहीं भैया कभी नहीं आए हैं, पानी से अगर पूरे घर में भर गया, देखिए देख लीजिए आप क्या हालात हुई है सब, क्या सब लोग अपने घर से
खुद ही पानी निकाल रहे हैं, और ऐसा ऐसा हालत है कि लग रहा किसी गांव खेड़ा में है, नगर निगम क्षेत्र का तो लग ही नहीं रहा ये मोहल्ला। तो मेरी पार्षद जी से यही अपील है कि इस इलाके में आवें और इलाके की थोड़ा रूपरेखा देखकर इस पे कुछ विकास की आगे परिपाटी खींचे। और माननीय मेयर साहिबा भी इस ओर थोड़ा संज्ञान लें अपना और थोड़ा सभी हालात को दुरुस्त करें। अब तो पानी निकल चुका है, थोड़ा बहुत सारा पानी निकल गया है, नहीं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी यहाँ की।